श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.4। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टर्म इज विच टर्म ऑफ एपी। एपी इज गिवन टू यू 121। फर्स्ट टर्म एपी इज गिवन 121, 117, 117, 113 डैश 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा? लेट एनएच टर्म सॉल्यूशन लेट एनएच टर्म ऑफ एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म What does it means? That is, an is less than zero. An less than zero means a plus n minus 1 d is less than zero. यहां से हम देखें तो a की वैल्यू कितनी हमारी 121 और d की वैल्यू a2 minus a1 117 minus 121 that is equal to minus 4. So A that is 121 plus n minus 1 into D minus 4 must be less than 0. It means 121 plus 4n minus minus plus 4 is less than 0. So 121 plus 4, 125. So 4n plus 125 must be less than 0. यहां हमने माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस फोर एन होना चाहिए था। माइनस फोर एन प्लस फोर लेस देन जीरो। So minus 4n plus 145 less than 0, minus 4 must be less than minus 125. और जब माइनस बहुत साइड कट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जब इस माइनस को कट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। सो 4n इज ग्रेटर देन 125। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप कि जब भी हम दोनों साइड इनइक्वालिटी के माइनस को कट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाता है। ऑन फर्दर सॉल्विंग सो एन इज ग्रेटर देन 120, एन इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4 और योर एन इज ग्रेटर देन 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 110, 4 2 जा 8, 220, एन इज ग्रेटर देन 131.25। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका कौन सा होगा? दैट इज फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म एन इज इक्वल टू 32। तो 31 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और 31 से बड़ा जो अगला आपका इंटीजर आता है वो क्या आता है? 32 आता है। तो इस तरीके से हम इस सम को कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट वन सेकेंड सम। सेकेंड सम कहते हैं द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सेकेंड सम सम ऑफ
थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म, थर्ड टर्म मीन्स ए थ्री और सेवंथ टर्म मीन्स ए सेवन इज इक्वल टू गिवन टू यू सिक्स। फर्स्ट ये कंडीशन दे रखी, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यू नो वेरी वेल ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी एंड ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन, वही एन माइनस वन डी मीन्स सिक्स डी इज इक्वल टू सिक्स। सो टू ए प्लस एट डी इज इक्वल टू सिक्स, और टू से दी टू कॉमन ले लें थ्रू आउट, सो ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू थ्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन दैट ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू थ्री। नाउ फर्दर द सम सेज देयर प्रोडक्ट इज एट, देयर प्रोडक्ट इज एट, इट मीन्स ए थ्री इंटू ए सेवन इज इक्वल टू एट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्सटीन टर्म्स, तो फर्स्ट सिक्सटीन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है आपको। ए थ्री थर्ड एंड सेवंथ है ना, कहते हैं देयर प्रोडक्ट इज एट। ओके तो ए थ्री इंटू ए सेवन इज इक्वल टू एट, ए प्लस टू डी इंटू ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू एट। यहां से आइदर ए की वैल्यू निकाल लो या डी की वैल्यू, आपका जो मन करे आप यहां से ए या डी किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सपोज मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो ए की वैल्यू यहां से आएगी थ्री माइनस फोर डी, थ्री माइनस फोर डी। इस a की वैल्यू को हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो 3 माइनस फोर डी प्लस टू डी और 3 माइनस फोर डी प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू एट। ऑन फर्दर सॉल्विंग सो 3 माइनस टू डी, 3 माइनस टू डी इंटू थ्री प्लस टू डी इज इक्वल टू एट। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एट। सो नाइन माइनस फोर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एट एंड माइनस फोर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एट माइनस नाइन। माइनस फोर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन एंड डी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय फोर विच इंप्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय टू। तो डी की जो वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस वन बाय टू आ गई। नाउ पुट डी इज इक्वल टू वन बाय टू, पुट d is equal to 1 by 2 in first so a is equal to, यदि d को 1 by 2 लें तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 minus 4 into 1 by 2 that is 3 minus 2 which is equal to 1। तो a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। d की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 by 2। जब d 1 बाय टू है, a 1 है और हमसे कहे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, इस केस में s 16 जो होगा आपका n बाय टू टू ए, a की वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू प्लस 1 बाय टू लिए इस केस में, तो 16 बाय टू आपका 8 हो गया। 8 2 इंटू 1 2 16 माइनस 1 15 बाय 2। ऑन फर्दर सॉल्विंग 8 4 प्लस 15 अपॉन 2 2 4 जा 8, सो 4 इंटू 15 प्लस 4 19 दैट इज इक्वल टू 76। तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ जब आपकी वैल्यू आपने निकाली है आपकी आ गई 76। सेकेंड केस के लिए डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाय टू। इन सेकेंड केस
इन सेकंड केस डी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू. सो पुट डी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इन फर्स्ट. डी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इन फर्स्ट. यदि फर्स्ट में हम रख दें तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर इंटू माइनस वन बाय टू. टू टू जा फोर विच इज इक्वल टू थ्री प्लस टू दैट इज इक्वल टू फाइव. तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी यहां पे फाइव. इस केस में जो एक्स एस 16 हमारा आएगा विच इज इक्वल टू 16 बाय 2 इंटू टू ए दैट इज 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 बाय 2. सो 8 इंटू 2 इंटू 5 10 16 माइनस 1 15 सो माइनस 15 बाय 2. On solving 8 into 2 to the 2 times the 20, 20 minus 15 that is 5 by 2, 2 4 the 8, 4 5 the 20. तो इस तरीके से S 16 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20. तो दो वैल्यू आ गई हैं, इधर S 16 is equal to 76 और S 16 is equal to 20. इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं. Our next sum नेक्स्ट सम विल बी थर्ड सम. अ लैडर हैज रंग्स की एक सीढ़ी है, यहां फॉर्म कर लेते हैं. सपोज इस तरह से कोई सीढ़ी है और उसमें रंग्स लगे हुए हैं 25 सेंटीमीटर पे इस तरह से एंड सो ऑन. तो ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और टोटल जो लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर, यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर. कहता है लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर. कि ये आपकी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये इस तरह से आपकी और लास्ट में है 25 सेंटीमीटर रहता है. यहां ये 45 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ था, 45 सेंटीमीटर नीचे लेंथ थी और ऊपर आपकी 25 सेंटीमीटर रह जाती है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कि रंग्स के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी. सो सबसे पहले नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ रंग्स दैट इज इक्वल टू टोटल जो हाइट है हमारी 250 अपॉन 25 जितनी दो रंग्स के बीच की हाइट है. अब यहां उससे तो ये सारे नंबर आएंगे लेकिन इनिशियल ये जो है इसे भी काउंट करना पड़ेगा. सो प्लस वन नीचे वाले रन को, तो आपके 25 टेन जा 10 प्लस वन दैट इज 11 रंग आ गए. तो टोटल आपके रंग 11 आ गए इस तरह से. तो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ आपसे वो कह रहा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स,
तो रंग्स के लिए कितनी लेंथ की रिक्वायर्ड होगी? तो एस एन जो होगा, या हम कह सकते हैं एस एन एन बाय टू, एन कितना है 11, ए प्लस ए एन, सो 25 प्लस 45, ए हमारा 45 है और ए एन कितना है 25। भाई फर्स्ट जो रंग है उसकी लेंथ कितनी है 45 है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हुई 45 सेंटीमीटर, और लास्ट जो ऊपर आ रहा है वो एनएच टर्म हो गया, उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और टोटल कितने टर्म्स हैं, बीच में 11 है ना, भाई 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो एन कितने, नंबर ऑफ रंग्स 11 है आपके, विच इज इक्वल टू 11 बाय 2 इंटू 45 प्लस 25 दैट इज 70। इलेवन से मल्टीप्लाई करें, 11 फाइव जा 55, 11 थ्री जा 13 प्लस 5, 11 थ्री जा 33, 33 प्लस 5 38, तो 385 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 3.85 मीटर लेंथ। तो इस तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा थर्ड लेटर वाला जो था, इंपॉर्टेंट वन, कई बार पेपर में आया हुआ है। फोर्थ सम, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 टू 49। तो इस तरह से आपके पास 1 से लेके 49 तक हाउसों के नंबर दे रखे हैं। यहां पे x है, x प्लस 1, तो x से पहले x माइनस 1, डैश 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 49। शो दैट देर इज ए नंबर x सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर x, कहते सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस प्रिसीडिंग द एक्स, यानी इससे पहले के नंबर्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसके बाद के फॉलोइंग, मतलब इसके बाद के जो हाउस नंबर हैं उनके सम के इक्वल है। फिर से सुन लें क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में पूछा गया है कि भाई हाउस नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेके 49 तक, और कोई नंबर एक्स है, किसी हाउस का बीच में नंबर एक्स है, उससे पहले के हाउसेस के नंबर्स का जो सम है उसके बाद के हाउसेस के सम के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द सम sum of numbers before x is equal to sum of numbers after x, numbers की जगह आप house numbers लिख सकते हैं, हाउस नंबर्स, तो सम ऑफ हाउस नंबर्स बिफोर एक्स दैट इज इक्वल टू एस एक्स माइनस 1, विच इज इक्वल टू सम ऑफ हाउस नंबर आफ्टर एक्स, यहां से यहां तक का मुझे सम निकालना है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, पूरे के सम में से यदि मैं एक्स तक का सम घटा दूं, सब्सट्रैक्ट कर दें, भाई एस 49 पूरे का सम हो गया, उसमें से यहां तक का सम सब्सट्रैक्ट कर दें तो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, मीन्स माइनस एस एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू नो ए इज इक्वल टू 1, ए 1 है, डी इज आल्सो इक्वल टू 1, नाउ एस एक्स माइनस 1 एन बाय 2 2a दैट इज 2 इंटू 1
प्लस एन माइनस वन दैट इज एक्स माइनस वन इंटू डी वन इज इक्वल टू 49 बाय टू 2a 2 इंटू वन प्लस 49 माइनस वन इंटू डी वन माइनस एस एक्स एक्स बाय टू 2 इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी वन सो इट कम्स आउट एक्स माइनस वन अपॉन टू टू से टू कैंसिल कर दें सभी का कॉमन लेके सो इट कम्स आउट डायरेक्ट हम टू से टू कैंसिल कर सकते हैं सभी का एक्स माइनस वन इंटू टू प्लस एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू यहां पे आपको ओनली 49 आप इसे यहां कैंसिल करके दिखा सकते हैं कि सारे टू आपने कैंसिल कर दिए 49 इंटू टू प्लस 49 माइनस वन दैट इज 48 माइनस एक्स इंटू टू प्लस एक्स माइनस वन ऑन फर्दर सॉल्विंग नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग सो इट विल एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन टू से टू कैंसिल हो गया सो सिंपल एक्स से मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और इट वुड बी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 49 इंटू 50 48 प्लस 250 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो और 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग एक्स वन साइड सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50 और वी कैन से 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 इंटू 50 टू से 50 कैंसिल हो गया 25 सो x इज इक्वल टू रूट 49 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 5 दैट इज 35 सो वैल्यू ऑफ नंबर x इज 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है फिर से देख लें क्वेश्चन क्या था भाई एक से पचास तक हाउस को नंबर्स दिए हुए थे किसी एक घर को नंबर एक्स दिया है उससे पहले के घरों के जो नंबर हैं उनका सम बाद के एक्स के बाद के जितने भी घर हैं उनके सम के इक्वल होगा ये गिवन है तो एक्स की वैल्यू निकालो तो सम ऑफ हाउस नंबर्स बिफोर एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ हाउस नंबर्स आफ्टर एक्स x से पहले के हाउस नंबर का सम तो एस एक्स माइनस वन होगा यहां ये ट्रिक्स ध्यान रखनी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे सीधा एस एक्स प्लस वन नहीं कह सकते मुझे तो अब यहां से यहां तक निकालना है लेकिन यहां से यहां तक निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं था तो मैंने सिंपली इसे कह दिया भाई एस 49 माइनस एस एक्स मतलब सभी का सम निकाल के उसमें से हम इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते थे वैसे हम इसमें एक और मेथड भी अप्लाई कर सकते थे क्योंकि x प्लस वन लेकिन x प्लस वन हमें नहीं पता नंबर क्या होगा तो कोई बात नहीं फिर भी हम इसमें एक दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते थे सम को चलिए बाद में बताएंगे फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर इस एक्सरसाइज का लास्ट सम उस सेकेंड मेथड को फिर डिस्कस करेंगे नाउ लास्ट सम
स्मॉल टेरेस है एट अ फुटबॉल ग्राउंड पे, जो सीढ़ियां होती हैं उस टाइप से टेरेस बना हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में आप डायग्राम देख सकते हैं। 15 स्टेप्स हैं, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, कि हर एक स्टेप जो है लेंथ ऑफ स्टेप, लेंथ ऑफ स्टेप इज इक्वल टू 50 मीटर, दिस इज एल। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। तो राइज जो, हाइट जो दे रखी है 1/4 दे रखी है, और ब्रेथ जो है वो 1/2 मीटर है। ब्रेथ ऑफ स्टेप बी इज इक्वल टू 1/2 मीटर, हाइट ऑफ स्टेप इज इक्वल टू 1/4 मीटर। तो कहते हैं कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, टोटल आपके स्टेप्स हैं 15 स्टेप्स। तो टोटल जो स्टेप्स दे रखी हैं 15, ओके। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप V1 दैट इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप V2, तो L और B तो सेम रहेंगे, 50 इंटू 1/2, लेकिन हाइट जो होगी, हाइट चेंज हो जाएगी भाई। जो स्टेप होती हैं, मान लीजिए इस तरह से अगर स्टेप है, अगला स्टेप यहां आ रहा है, तो ये हाइट यदि पहले 1/4 थी, तो ये 1/4 इसमें ऐड हो जाएगी। यहां से इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 1/4 + 1/4। तो उसकी जो हाइट हो गई, उसके लिए क्योंकि तो साइड से आती है ना स्टेप इस तरह से, तो इसकी जो टोटल हाइट होगी ये आपकी 1/4 इधर थी, 1/4 इधर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। हम यहां कह सकते हैं 2 × 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2, और ऐसे ही चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप V3 इज इक्वल टू 50 × 1/2 इंटू 3 × 1/4 डैश डैश डैश। तो हम देख रहे हैं कि भाई इनमें जो वॉल्यूम्स में डिफरेंस है वो कितने का है, ओनली 1/2 का डिफरेंस आ रहा है। इसे यदि सॉल्व कर लें तो 2 से 25/4 हो गया ये हमारा। इसे सॉल्व करें (25/2), इसे यदि सॉल्व करें (75/4) एंड सो ऑन। नाउ (A2/A1) हमसे देखें तो ये 25 इंटू, चलिए वो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, (A2 - A1) दैट इज 25/2 -(25/4), तो एलसीएम 4 आ गया आपका 50 - 25 विच इज इक्वल टू 25/4। ऑल्सो (A3 - A2) हमने फाइंड आउट किया, तो 75/4 -(25/2) विच इज इक्वल टू 75 - 50 (25/4). हम क्या देख रहे हैं, डी सेम है, सिंस डी इज सेम सो
सीक्वेंस, तो सीक्वेंस है वॉल्यूम का, सीक्वेंस ऑफ वॉल्यूम फॉर्म एनएपी। इसलिए जो वॉल्यूम का सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म करेगा। अब हमसे क्या पूछा था उसने कि भाई कितना कंप्लीट टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम मीन सम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड। इसी तरीके से यदि हम चलते जाएं तो हमारे पास जो V15 आएगा भाई, 3 के लिए 3 इंटू 1/4, वो कितना आता 50 इंटू 1/2 इंटू 15 इंटू 1/4, सो 2 से 25, और 25 का 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 फाइव जा 75, 7 15 टू जा 30, तो 375/4। हम फार्मूला लगा सकते हैं n बाय टू ए प्लस ए एन, तो 15 बाय टू ए प्लस ए एन, ए की वैल्यू कितनी 25/4 प्लस ए एन 375/4। हमने फार्मूला लगा दिया, ये a है प्लस ए एन, ये आपका n बाय टू, तो फार्मूला होता था हमारा n बाय टू ए प्लस ए एन, वो फार्मूला अप्लाई किया, सो इट कम्स आउट 15 बाय टू इंटू 375 प्लस 25 400 अपॉन 4, तो 4 से 100 पे, 2 से 50, तो 15 को 50 से मल्टीप्लाई किया 750 मीटर क्यूब में 750 मीटर क्यूब आपको कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है कि केवल जब स्टेप्स की बात कर रहे हैं टेरेस पे, जब भी आप ऊपर चढ़ते हैं तो हर नेक्स्ट स्टेप की सिर्फ हाइट बढ़ती चली जाती है, लेंथ और ब्रेड्थ उनकी सेम रहती है, इसीलिए हमने लेंथ और ब्रेड्थ सेम ली। हाइट फर्स्ट स्टेप के लिए हाइट 1/4 ऐसी रही, सेकेंड के लिए 1/4 प्लस 1/4 तो 2 इंटू 1/4, थर्ड के लिए 3 इंटू 1/4, ऐसी 15th के लिए 15 इंटू 1/4 होगी। उसके बाद फिर हमने प्रूव कर दिया भाई जो कॉमन डिफरेंस है ये हमारा सेम आ रहा है, मींस A2 - A1 फाइंड आउट किया वो भी 25/4, A3 - A2 फाइंड आउट किया वो भी हमारा 25/4। तो जब D सेम है तो ये हमारा एपी फॉर्म हो रहा है, यदि सीक्वेंस एपी बना रहा है तो टोटल वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं N/2 A + AN। ए हमारा कितना है, फर्स्ट जो आएगा V1 फर्स्ट टर्म जो है 25/4 और AN लास्ट टर्म दैट इज 375/4। इसे हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया आपका 750 मीटर क्यूब। हम बात कर रहे थे कि जो हाउसेस वाला सम था उसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सो एक नई टेक्निक माइंड में आ रही है, चलिए उसे अप्लाई करते हैं आपके साथ। 1, 2, 3 - (x - 1)(x + 1)(49). So SX - 1 according to the sum is equal to sum of terms x + 1 - 49, formula apply kar dein, sum of numbers after x, yes sum of numbers before x, sum of number before x is equal to sum of number after x. तो before x as x - 1, तो formula लगा दिया मैंने n/2 2a that is 2 into 1 plus n - 1 that is x - 1 - 1 d की value
वन इज इक्वल टू आफ्टर एक्स, तो यहां पे आफ्टर एक्स के बाद फर्स्ट टर्म तो एक्स प्लस वन होगा, टोटल टर्म हमारे 49 माइनस एक्स हो जाएंगे भाई, यहां से यहां तक 49 टर्म्स है, ये एक्स टर्म है, तो इसके बाद वाला जो होगा एक्स प्लस वन से, यानी जो इसके बाद टर्म कितने रह गए टोटल 49 माइनस एक्स रह गए, तो 49 माइनस एक्स बाय टू ए प्लस ए एन, सो एक्स प्लस वन प्लस 49। ऐसे यहां भी एन बाय टू ए प्लस ए एन अप्लाई कर सकते थे, एन बाय टू ए प्लस ए एन दैट इज एक्स माइनस वन, तो वन से वन कैंसल हो गया, ये टू से टू कैंसल, नाउ इट कम्स आउट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50। नाउ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया 49 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, 49x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 15 टू 49 माइनस 50x, सो ऑन फर्दर सॉल्विंग एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, 49x माइनस 50x माइनस एक्स प्लस 15 टू 49। ऑन फर्दर सॉल्विंग माइनस एक्स से हम माइनस एक्स कैंसिल कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर यहां पे प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 टू 49, 2 से 25 पे, सो एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी, नाउ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 इंटू 49, और x इज इक्वल टू रूट 25 इंटू 49, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 7 दैट इज 35। तो इस तरीके से भी हम इस सम को कर सकते थे कि भाई x से पहले जितनी टर्म्स हैं इनका सम इज इक्वल टू x के बाद के टर्म उनका सम, तो इसका जो सम होगा n बाय टू टोटल x माइनस वन टर्म हो गए, तो x माइनस वन बाय टू a वन होगा, a n कितना होगा x माइनस वन, सेम फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया n बाय टू, तो अब n कितना होगा भाई, इस ये यहां तक x टर्म थे, तो ये टर्म कितने बचे, ये वाले टर्म जो हुए हमारे पास ये 49 माइनस एक्स हो गए, यहां तक जो टर्म है, क्योंकि एक्स टर्म यहां तक थे, तो ये टर्म कितने हो गए 49 माइनस एक्स, तो n बाय टू a कितना है एक्स प्लस वन, प्लस एन कितना है लास्ट टर्म कितना है हमारा 49, इन दोनों को सॉल्व कर लिया और हमारी x की वैल्यू आ गई। आप जिस मेथड से करना चाहें इस सवाल को कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।